आज मैं आपके सामने एक सोनोग्राफी का काफ़ी इंटरेस्टिंग केस लेके आई हूँ। यह पेशेंट, उसको 20 साल के बाद बच्चा रुका था, तो उसने मेरे पास आने से पहले 3 जगह पे सोनोग्राफी कराई थी। सब जगह पे उसको बताया गया था कि ये मिस्ड अबॉर्शन है, यानी कि बच्चे में धड़कन नहीं है। लेकिन जब वो मेरे पास आई और मैंने सोनोग्राफी की, तो वो एक मोलर प्रेगनेंसी थी। जी हाँ, मोलर प्रेगनेंसी, जिसमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलती है, मतलब कि बर्फ का तूफान आया हो ऐसा सोनोग्राफी में दिखता है। छोटी छोटी परपोटियाँ सोनोग्राफी में दिखती है, छोटी छोटी वसाइकल्स सोनोग्राफी में दिखती है। तो ये परपोटियाँ, ये वसाइकल्स, ये सब क्या है? तो ये ग्रेप्स जैसी अपीयरेंस जो होती है, जो ग्रेप्स जैसी छोटी छोटी फोलिया बनती है, वो कुछ नहीं पर बच्चे की मेली का भाग, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चे को पोषण देने का काम करता है, वो भाग हेफेजार्ड अस्त व्यस्त तरीके से बदता रहता है। तो ये प्रेगनेंसी में महिला को कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर मैंने 3 जगह पे हुई सोनोग्राफी से मान लिया होता कि इसके बच्चे में धड़कन नहीं है और ये मिस्ड अबॉर्शन है, तो वो औरत की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए मेरा प्रोटोकॉल है कि कभी भी कोई भी स्त्री धड़कन नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लमेटिक सोनोग्राफी बाहर से लेके आए, तो एक बार मैं कंफर्म जरूर करती हूँ, ताकि पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाए। तो क्या इस तरह के केस में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है? हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट इसमें पॉजिटिव रहता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो हार्मोन HCG प्रोड्यूस होता है, वही इसमें भी प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव ही आता है। क्या प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखते हैं? हाँ, HCG हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी में जो जो लक्षण आते हैं, जैसे कि वोमिटिंग होना, बच्चे को खून पहुंचाने वाले मेली का भाग होता है वो प्रोलिफरेट होता है, तो उसकी वजह से पेट की साइज भी बढ़ती है, तो ऐसे सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम तो आते हैं।